इतने जल्दी तो मुझे बाटला भेजेगी नहीं आप। अच्छे खासे इंसान को भी है ना उंगली करके छोड़ के आते। चले गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मंडे मंडे स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। सोए सर को? हाँ बस नीचे से दबा दो। चलो मीनू को देखो जरा ना, मीनू की स्टाइल तो देखो जरा आप लोग। देखो कहते तकिए पे लेटी, देखो ना रानी, देखो ना ये देखो ना। क्या है ये? माई ने बिस्तर सही करने के लिए तकिया मार डाली ना, तो वहीं से लेट गई जाके। देख चले माई को ट्यूशन के लिए तैयार करूँ। पापा हटो, बिस्मिल्लाह। ये लो तकिए सब। चलो मीनू मैडम उठिए मैडम। अरे तकिया पकड़ रही हो, ऊपर आ जाइए आपके क्या बोलते हैं उसको के राजगद्दी पे। सॉरी अब वहीं लेट गई। देख देखिए जिद्दी पना उसका, देखिए उधर लेट गई। देख आज न्यू कप में माही का ओट्स, न्यू कप में है मामा। ये हो गया माही के न्यू कप में ओट्स, है ना? है ना? क्या आँख में कम नहीं हुआ बताओ? ये देखो इसकी आँख कैसी लाल हो गई, भड़क थोड़ा से बढ़ गया मम्मा। कुछ नहीं हो जाएगा, एक दो तीन दिन में चली जाती हो। दर्द हो रहा है? दर्द है ना, क्या करेंगे, दर्द होती चाहिए पापा। चलो माई का दवाई का टाइम, ओट्स पी लेगी तो दवा पिला देती हूँ। मीनू मेरा बच्चा, ये देखो उसके सामने दूध रखा हुआ है लेकिन उसने अभी तक ये मुंह नहीं मारी। देखो मीनू नहीं मारना मुंह, देखो मच्छी चाहिए ना, दे रे मेरा बच्चा, मुंह नहीं मारना लेकिन अच्छी बातें सीखना, हाँ बुरी बातें नहीं सीखना मेरा बच्चा। हाँ तू माही की बहन है ना, माही की बहन है ना तू। देखो उसको कितना प्यार आता है, उसको से करेंगे तो। हाँ चले हम लोग की न्यू बाटली का फिर से उद्घाटन हो रहा है। कल भी बड़ा फैया एकदम उसमें बोल रही थी मैं, मेरी भी न्यू बाटली का उद्घाटन हो रहा है और मेरी टाइटर फिश हो गई। हाँ गुगली हो गई लेकिन अभी नहीं होएगी, अभी बॉटल अच्छी है, पहले भी अच्छी थी बट अभी साइज में ठीक है। हाँ ये देखो मीनू को, देखो मीनू के मजे, मीनू के मजे, मीनू खेल रही है। हाँ प्लास्टिक से तो सारी बॉटल्स जो है ना पैकिंग है, वो सारी बॉटल्स पैकिंग है और ये एक एक बॉटल जो है ना 20 रुपीज की है। अच्छा मेरी एक बहन ने कल मेरे को पूछे, अंसारी कमेंट लगा रही हूँ मैं, वो जो बड़ा वाला डब्बा था फयाज, जो बड़ा वाला डब्बा, सबसे बड़ा वाला डब्बा, हाँ। पता है ना कौन सा? हाँ, पीला वाला। सबसे बड़ा वाला डब्बा, अच्छा वो, हाँ चावल रखने का, हाँ। 5 किलो का, हाँ। कितने का था वो? 100 रुपीज। वो 100 रुपीज का था, वो 100 रुपीज का। जैसे वहाँ पे 20 रुपए की सेल है बट कोई चीज अगर बड़ी छोटी रहती तो उसका अमाउंट भी थोड़ा बढ़ता है ना भैया, क्वालिटी के ऊपर भी थोड़ा बहुत अमाउंट बढ़ता है। बट वो डब्बा वहाँ पे 100 रुपीज का मिला, हम लोग ने कहीं और पूछे तो वो 120 का बोल रहे थे ना, 120 का बोल रहे थे। चलो संभालो संभालो, खेल रही है। पानी पियो, पानी पी के देखो, एकदम मस्त पानी है, एकदम जबरदस्त पानी है। हेलो पीने में भी इतना अच्छा है ना, अभी क्या बोलूँ मैं तारीफ, वाह 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 हो गई। चलो बंद हो गया, पानी भर गया हम लोगों का। मैं वॉशरूम की लाइट इसके लिए ऑन करी ना, मैं जा रही थी नहाने के लिए, गीजर चालू करी हो पानी निकल रहा है। चलो हो गया ना पानी, चलो सारी बाटली हो गई। पिंक कलर अच्छी लग रही है ना, पहले की भी बहुत, लेकिन पहले की बहुत अच्छी लग रही थी यार बॉटल, उसमें की कलरिंग बॉटल थी पहले की। चलो ये भी बॉटल भर रहे हैं। एक एक्स्ट्रा बाटली अपने पास होना चाहिए फज्जू, ऐसी कभी मेहमान लोग आए हाँ तो पानी की एक बॉटल अपने पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये देखो पानी, बस 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 बंद करो ना, पर डालेंगे कैसे साउंड हाउस, भी मैं बोली थी आधी आधी भरा करो, पूरी भर देते हैं। तुम खा लिया, तू नाश्ता कर लिया क्या? नंबर लेके माही का। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हो आप सब, क्या खिला रहे हो उसको? खाना खा लिया उसने, ला नुमैर गया था, तेरा नंबर मिला आज, तेरा नंबर मिला।
साढ़े ग्यारह। हाँ चलो सही है, माई साढ़े ग्यारह को तो आएगी। अच्छा नंबर दे क्या है अपना, फोन नंबर? हाँ किसका दिया, पापा का? तेरा दिया? जो जाएगा वो नंबर देगा, जो जाता है उसका नंबर लेते हैं। ऐसा मेरा रूल है। तेरा रूल है, लेकिन फोन आएगा तो उठाना उठाना फोन। क्या करना मालूम, साढ़े ग्यारह को माई को मां से वहां लेके चले जाओ। कहाँ से? क्लास से, ट्यूशन से ले लो। नहीं उसका फोन आएगा तो ही जाएंगे, कभी नंबर नहीं आता। नहीं मैंने पूछा कब आना, बोले साढ़े ग्यारह। वो बुला के बिठा के रखती है, डॉक्टर तो थे नहीं। और तू फोन उठा लेना, फोन नहीं उठाता है ये फोन नहीं उठाता है। इसकी बहुत क्लास मैंने ली हूँ दो दिन पहले, बहुत अच्छी खासी क्लास ली हूँ। अगर तूने फोन नहीं उठाया, फोन नहीं देखा ना, तो मैं तेरा फोन छीन के रख लूंगी। फोन है ना वाइब्रेट पे रखता है, वाइब्रेट पे रखेगा गेम खेलेगा, वाइब्रेट पे रख के गेम खेलेगा। ये तो फिर क्या करेगा पता है, फ्लाइट मोड पे डालेगा। तो परसों क्लास ले ली मिले, अगर ऐसी करेगा तो फोन ले लूंगी मैं तेरा। तो अभी दो दिन से सीधा हुआ है। चलो एक्चुअली उसकी दवा जो है ना, अभी वो एक ही टाइम की बची, अभी सुबह जाने का टाइम खा के गई। अरे दूध 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 आ रहा था, दूध रख के आई थी। देखिए तो उसकी दवा जो है ना वो एक टाइम की बची हुई है। क्या कर रहे हैं, आ रही हूँ मैं, रुको। तो उसकी दवा जो है ना वो एक ही टाइम की बची हुई है, रात की, रात की नहीं सॉरी यार क्या बोल रही हूँ मैं, दोपहर की। मतलब अभी जो है ना जाने का टाइम खा के गई है, तो अभी वो दोपहर में जब आज आप लोग को पता है ना उसका पेपर स्टार्ट है, तो चार बजे आ जाएगी। तो एक दवा जो है ना चार बजे खा लेगी, अब रात के लिए दवा नहीं रहेगी उसके पास। तो मैंने आपके भाईजन को बोली तुम दवा दिला के इसको जाओ। तो तेरा नंबर उसको मिला है, तेरा नंबर, ये बस सत्रह नहीं मिला भाई, खतरा वाला नंबर नहीं मिला। झाड़ों में पानी, अरे भाई वो दवा लाए थे वो डाले क्या तुमने? वो एक एक्स्ट्रा दवा लाए थे जो तुमने, वो दवा डाल देना। अभी दो पौधे हम लोग को और चाहिए, दो पौधे, जगह है ना, मतलब इससे ना अच्छा पत्ते पत्ते पे भी पानी गिरता है ना, और मग्गे से डालेंगे ना उसमें बहुत जोर से पानी डालेंगे तो लोड पड़ता है ना भैया झाड़ों पे, कि पत्ते से ना एकदम अच्छे से पानी मतलब पत्तों पत्तों पे भी आ जाता है। हमारी मनी प्लान है, एक डब्बा है ना भैया जो हमारे पास में, उसको चेंज करो ना, मनी प्लांट डालना उसके अंदर। हाँ एक बड़ा डब्बा है। हाँ चले देखो ये वाले झाड़ में ना थोड़ा सा हम लोग का बीच में डाउन हो गया था कड़ी पत्ते वाला, लेकिन अभी ये जो है ना थोड़ा सा खिल के आया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। वॉशरूम जाने के लिए लाए नंबर, लाए तेरा नंबर, तू साढ़े ग्यारह तक आ जाएगी ना, पंद्रह बीस मिनट तो बाकी है, जा जा जल्दी जा। हाँ जा वॉशरूम के लिए आई थी, बाय। पाँच दस बॉटल आएगी ना, ये वाली देखो एकदम परफेक्ट आई। वेलकम टू नई बॉटल का स्वागत करते हैं। घंटा अब अच्छी लग रही ना, कितनी प्यारी लग रही देखो। बिस्मिल्लाह चलो लो बान हो गया घर में सुबह सुबह माशाल्लाह। आमीन। चलो माशाल्लाह सुबह सुबह लुबान हो गया, ये बड़ा अच्छा हो जाता कि ना सुबह में लुबान देने के लिए सब भाई लोग आके अपने दरवाजे पे दे देते ना, ये बड़ा अच्छा हो जाता है ना। फज्जू क्या लाए? हाँ क्या है ये, सिक्का है? अच्छा ये लिखा हुआ आयत है जी। तो ये अपने कबाड़ में रखो। हाँ मैं भी इसलिए जाता हूँ। हाँ कबाड़ में रखो अपने। अच्छा चलो माही जो है ना आपके फैयाज भाजन उसको लेके गए संगीता डॉक्टर के पास में दवा लाने के लिए। तेरा नंबर है, मैंने उसको तैयार करके भेज दी, यूनिफॉर्म पहना दी, खाना भी खिला दी उसको, दवा भी पिला दी, सब कुछ रेडी करके भेजी मैंने उसको। क्योंकि फिर मैं बोले आते ना फिर हाय 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 हो जाती है ना, क्योंकि नंबर आगे पीछे हो जाता है, कभी कभी ना रुकना भी पड़ता है। क्योंकि एक बार ऐसे हो गया था, मैंने बिना तैयार करके भेजी थी, अब रुकना पड़ा इतना कि फिर एकदम एंड मोमेंट पे आके मतलब फिर बाल बनाओ खाना खिलाओ। तो मैंने बोली भाई तू तैयार होके चली जा, फिर क्या अगर नंबर चला भी गया ना तो वो स्कूल के बच्चे हैं ना तो फिर वो ले लेती है। तो चलो अभी देखते हैं। और हाँ बाल भी बना दिया उसका मैंने, बाल भी बना दिया और नाश्ता भी करवा दिया। बिरयानी थी ना कल की वो खा लिए, मैंने भी खा ली बिरयानी, मैंने भी नाश्ता क्या बोलूँ खाना क्या बोलूँ यार, बस खाए तक के हो गए साढ़े बारह ही हो गए, मतलब लेट ही हो गया। अच्छा बहुत लेट हुआ खाने के लिए मुझे, चले अभी इसको तैयार करके भेजती हूँ। ये मैडम के न्यू जूते निकाल के रखती हूँ, अब मैं जूता पहन के जाएगी हूँ।
12 नंबर है, बड़ा है बड़ा है बोल रही थी वो। मैं बोली थोड़ा बड़ा तो चाहिए ना जूते, मोजा पहनी थी तो बराबर आ जाएगा। मोजे भी डाल दी। चलो आ गई माही भी, माही मैडम लाए दवा लाए। चलो देखो जूते मैंने रखी तुम्हारे निकाल के, ताकि फटाफट तुम तैयार हो जाओ। तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? ओके है, ओके है ना? हाँ, ये माही की दवा वापस आई है, अभी अलग दिए और लिख के दिए, और लिख के दिए। देखो आपके फैयाज भजन जा रहे हैं अपनी गाड़ी धोने के लिए। फैयाज क्या पैंट पैंट ऊपर करके जाते हो यार तुम, ऐसा लग रहा क्या मालूम मारा मारी करने जा रहे क्या किसी से? हाँ, फिर तुमने ये सड़ेली बनीन पहन ली है ना, फटेली बनीन फिर पहने ना तुमने, एक और नवी बाकी है ना वो भी पहनो घर में। क्या हुआ? ये पेपर है ना उसका, पेपर के लिए ये लेके जाती है। हाँ, तो पेपर के लिए वो ही बैग ले रही है अभी, वो इतना बड़ा बैग थोड़ी लेगी वो। और इसका क्या है? उसको सोने दे मीनू को। तेरा क्या कर दी तूने हर बार? तेरी तो मत सता रे नुमेर, मत सता। ये घर कहाँ से? तू नाखून मारने सिखा मत, उसको पहले बोल रही हूँ मैं। हाँ, मारने सीखेगी नहीं तो वो नुमेर सताया रे को। भागी देखो भाग गई ऊपर। क्यों सताता रे उसको? ऊपर जाके बैठेगी, तेरे गद्दे पे जाके तभी सो जाएगी। देख ना तेरे गद्दे पे सो जाएगी अभी जाके। चलो मेरी बच्ची रेडी हो गई स्कूल के लिए। चलो उसको जरा बेस्ट ऑफ लक बोल देना आप लोग भी सारे पेपर्स के लिए। कौन सा पेपर आज? इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है। अल्लाह मेरे बच्चे को खूब कामयाबी करे और अल्लाह उसकी हिफाजत करे मेरे बच्चे की, है ना? अच्छे से लिख के आए। आँख में दर्द है? दर्द है ना आँख में? आँख में दर्द हो रहा है? हाँ, सबका इंग्लिश ही होता है, लैंग्वेज है तो इंग्लिश ही रहेगा ना बेटा। चले बोले अल्लाह हाफिज़। चलो अल्लाह हाफिज़। अजान हो रही है यार। चलो 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 चलो। माही का न्यू शूज माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह। बोलो जज़ाकअल्लाह। जब भी कोई चीज आए ना बेटा हमेशा जज़ाकअल्लाह बोलना सीखो। अल्लाह को थैंक यू। जज़ाकअल्लाह किसको बोलते पता है आपको ना? अल्लाह को थैंक यू, क्योंकि अल्लाह पाक ने दिए ना हमको नया चीज, है ना? पहले मेरे को दिखा दी। क्या मेरे को दिखा दी? ताकि मेरे को जला ना। चलो चलो चलो, बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ लाओ, तुम्हारा दुआ पढ़ा दो। पेपर अच्छा जाएगा, भाई ने दुआ पढ़ा दिया, नहीं कुछ नहीं खुला बराबर है। चलो चलो माही, अल्लाह हाफिज। माही बेस्ट ऑफ लक, अच्छा पेपर लिख के आना पापा। चलो बाय। चलो आपके भाई जन है ना रेडी हो गए, ये नमाज पढ़ने जा रहे, जाके अब। अच्छा जी चले, फिर जोहर की नमाज पढ़ने बैठ गई मैं, और सबके लिए दुआ करूँगी सबके हक में कि अल्लाह मेरी यूट्यूब फैमिली को हमेशा खुश और आबाद रखे, और साथ में मेरी पर्सनल फैमिली को भी हमेशा खुश और आबाद रखे। बस आप लोग हमेशा मुझे दुआओं में याद रखना, मैं आपको दुआओं में हमेशा याद रखूँगी। और बस नमाज़ पढ़ने के बाद में मैं कल की बिरयानी जो थी ना वो गर्म करने रख दी, क्योंकि आपके फैयाज़ भजन भी नमाज़ गए थे, तो मैंने बोला गर्म कर दूँ खाना ताकि वो आने के बाद में जल्दी से खाना खा ले। मेरा चले वेलकम बैक, आपके फैयाज़ भाईजान की भी नमाज़ हो गई, मेरी भी नमाज़ हो गई, और इनका खाना भी हो गया। अब जनाब निकल रहे हैं। अच्छा ब्लैक ब्लैक बाल एकदम मस्त, फैस में ऐसा लग रहा है यंग दिख रहे यार फैयाज, सच में? कोई हैरानी की बात है? नहीं मतलब हैरानी तो है यार। नहीं मतलब आज वाइट वाइट बाल से मतलब ब्लैक बाल करते ना तो एकदम सच में ऐसा लगते ना अभी ठीक है। हाँ फैयाज वैसे है ही नहीं, हाँ वैसे है नहीं ठीक है। अच्छा हम लोग है ना अभी कुछ देर पहले ना वो डिस्कशन कर रहे थे, कल जो सिलेंडर का हुआ ना, जो मैं आप लोगों को बताई ना, तो मैं इनको वही बोल रही थी कि आज मंडे है, अभी तक के बाटला भेजने वाली थी, मंडे के दिन बोली कि जाओ आपको बाटला भेजते, लेकिन अभी तक के भेजी नहीं है। तो मैं इनको वो बोली मल्ले वैसे ही उसको इतना गुस्सा दिला के आई हूँ, इतने जल्दी तो मुझे बाटला भेजेगी नहीं आप यार। मेरा नाम उसके दिमाग में बैठ गया। अच्छे खासे इंसान को भी है ना उंगली करके छोड़ के आते। मैंने नहीं, जो छोड़ो जी जान दो, क्या करेंगे अभी, वो भी बेचारा कंटाला जाता है। क्या यही बात मैंने कल आप लोगों को बोली थी, देखे ना, मतलब ये अगर अंदर जाते ना, हाँ मैडम, ओके मैडम, हाँ मैडम, ओके मैडम करके आ जाते। देखो पहली बात तो देखो, कोई चीज अगर किसी से काम कराना है तो उसको गधे को बाप बनाओ, तो प्यार से अपना काम निकाल लो। गधे को बाप बनाओ बराबर बोल रहे हो, लेकिन खुद गधे मत बन जाओ वहाँ पे खड़े रह के। मतलब ही नहीं कि वो वैसी काम करने वाला। नहीं मैं तो नहीं सुनती बाबू, मैं क्यों सुनूं? जब हमारी गलती नहीं है तो हम क्यों सुनेंगे? और वो तो छोड़ दो बच्चू, वो जितने लाइन में खड़े थे ना बाहर क्यों में, वो मुझे बोल रहे थे ना हाँ भाभी ठीक है, हाँ आपा ठीक है। मैं बोली इन लोग को डर नहीं है अभी, इन लोग को अंदर जाने का है, वो दो बातें सुनाएगी कि तुम लोग तो बड़ा हाँ 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 कर रहे थे अभी अंदर आके, क्या तुम लोग ऐसा कर रहे बोल के, अब बोलो ना अंदर आके। मतलब मेरे को वही हंसी आ रही थी कि मतलब मैं सोच के कि जो बाहर क्यू में खड़े थे ना वो लोग बड़े, क्योंकि वो देख रही थी खिड़की में से कि इन लोग है ना मेरे हाँ में हाँ मिला रहे,
और चालू है, पूरी लाइन में चालू था। तो वो मैं इनको बोल रही थी, बोले इन लोग को डर है लाइन में खड़े, इन लोग अभी अंदर भी जाने का है, अभी उसको फेस भी करने का है, पता नहीं बाद में क्या होगा। हम लोगों ने वाला, हम लोग तो निकल गए, बट बाटला देखो अभी तक आया नहीं है। अभी दोपहर के कुछ ढाई बज गए, आपके फैयाज भजन गाड़ी पे निकल रहे, नहीं भेजेगी वो इतनी जल्दी बाटला, आएगा थोड़ा लेट भेजेगी, थोड़ा सा करेगी भाव खाएगी, मेरे को पता है अभी नाटक करेगी, भेज दी तो बहुत अच्छी बात है यार, चलो ठीक है देखते हैं, अभी शाम बाकी है। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं भेजेगी, होने को है हो जाने दे, चलो निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग खैरियत होंगे, बढ़िया के मजे में होंगे, और आपकी दुआ मुझको लगे, मेरी दुआ आपको लगे, मगर आपकी दुआ सबसे ज्यादा से ज्यादा हमारी फैमिली को लगी। चले ब्लॉग को रखेंगे कंटिन्यू, उसको एंड नहीं करती हूँ, कर दूँ क्या, जरा माई आएगी तो फिर एंड करेंगे। थोड़ा सा ना मेरे को अभी है घर का एक्स्ट्रा काम है, पकाने का तो नहीं आज, क्योंकि कल की बिरयानी आप लोगों को मालूम है, आपके मेरे हस्बैंड बोलते ना अच्छी खासी बना देती बिरयानी और पुलाव, तो मेरी बीवी जो है ना दो दिन का बनाती है, जाहिर सी बात है यार, ये बिरयानी और पुलाव जो है ना दो दिन रख के खाओ तो मज़ा आती है, एक दिन में तो वैसे भी दिल नहीं भरता है। तो चले बिरयानी बन गई थी, और चावल थोड़े बारीक हुए ना फज्जू, अच्छी थी मगर, हाँ चावल खाना अच्छा था, खाना अच्छा था, चावल भी बारीक लगे ना, नहीं ठीक है, नहीं लगे ठीक थे, ठीक है चलो ठीक है खा लिए, ठीक है गया पेट में, अब लंबे क्या छोटे क्या मोटे क्या चले गया, चलो नेक्स्ट टाइम बारीक नहीं लंबे वाले चावल से बनाऊंगी, नुमेर को नहीं अच्छा, मतलब नुमेर को चाहिए था लंबे चावल। चलो आज खाना तो नहीं बनाना है, खाने की फुर्सत है, एक्स्ट्रा काम जो है ना घर के वो कर लेती है ना, ऐसा ही होता है जब खाने की छुट्टी होती ना तो हम लोग एक्स्ट्रा काम बहुत करते, साफ सफाई ये वो, ठीक है चलो वो करके लेते हैं। नुमेर आया नहीं अभी तक, तो ढाई बज गए, बैठ जाता है मस्जिद में कभी कभी, मिला नहीं तुम्हारा, नहीं मिला, दो दिन हो गया मेरा चश्मा घूम के, परसों रात को घुमा है, आज का दूसरा दिन है, और चश्मा मेरा पता नहीं इन लोग ने कहाँ रख के छोड़ दिए, संडे के दिन रात से गायब है फैयाज, चश्मा तो मेरे को नहीं मिला ना, मेरी वाट लग जाएगी, मतलब कल से मैं बिना चश्मे के काम कर रही हूँ, मेरी आंख में इतना दर्द हो रहा है, छोड़ दो कचरे में इतना बड़ा चश्मा कहाँ से जाएगा फज्जू, तुम जाओ मैं देखती हूँ, मैं जाओ तुम लेट मत करो, जाओ ऐसे ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, उसको दवा लाने का था ना उसके चक्कर में रुक गए थे, 4 बजे बराबर माई को भेजा, हाँ 4 बजे भेजा दूंगी, हाँ सामने अगर सही लग रही है तो और क्लास मत भेजा, हाँ नहीं नहीं तबे सही नहीं लगेंगे तो नहीं भेजाऊंगी, हाँ ठीक है चलो संभाल के चलाओ, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी चलिए, अभी बज रहे थे कुछ 3:30 बज रहे थे, और फाइनली गैस बाटला घर पे आ गया, चले सिलेंडर आ गया, मतलब तो एक्सपेक्ट नहीं की थी मैंने कि आज आ जाएगा, बट चलो यार कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है, और वैसे तो मेरे साथ होती ही रहती है, सो चले आ गया, फाइनली आ गया, ये अल्लाह का शुक्र है कि आ गया। 2 बाटले आए हैं विदाउट चूल्हा, 2 बाटले मैंने बुक किया था, ये जो है ना गैस की मतलब बुक भी आ गई है, और रिसिप्ट वगैरह सब कुछ, जैसे कि उसने बोली थी कि मैं मंडे को भेज दूँगी, तो सारी रिसिप्ट वगैरह उसने भेज दी, तो बस मैं वही चेकआउट कर रही थी क्या देख लूँ, और बाटला भी लग गया, सिलेंडर लगा दिया उन्होंने न्यू, रेगुलेटर न्यू चेंज कर दिया, पाइप वगैरह भी सब कुछ नहीं हो गया, सिवाय जो स्टो है ना उसके, मैंने बोला था ना अगर मैं भी स्टो लेती ना तो कम से कम स्टो का मेरा और 2000 रुपया बढ़ जाता, तो मैंने बोला कि नहीं मेरा जो गैस स्टो है वो अच्छा है, तो अब 2000 नहीं डालना है मुझे, तो इसलिए मैंने पुराना वाला ही रख दिया, वेरीफाई करवा लिया, और यहाँ पे जो बुक थी ना उस पर उन्होंने एंट्री कर दिया, साथ ही में एक फॉर्म भी लेके आए थे उसमें भी साइन ले लिया उन्होंने कि कनेक्शन उन्होंने मेरे घर में दे दिया, चले फाइनली हो गया। चलो बटला हम लोग ने रख दिया, आगे कर एक बटला यहाँ पे हम लोग का नया एक लगा के ले लिया, पीछे ले ज़रा थोड़ा सा ऐसा ले तो नहीं तो गिर जाएगा वो गद्दा, जो मेरा लाइटर देख रहा है, मम्मा कैसा लाइटर आया न्यू स्टाइल का लाइटर है, ऐसा दबाने का शायद इसको, हाँ यार उमर कैसे दबाने का इसको, तो पूछा भी नहीं उसको, हाँ अल्लाह ऐसा कैसा, ये तो अंगार वाला यार, ये नको नको बंद कर, सिगरेट जलाने का क्या ये सिगरेट का लाइटर लग रहा है देख ना बंद कर पैक करा, हाँ रख दे उसको, अभी जूना वाला है तो जूना ही यूज करेंगे ना, बिना क्यों यूज करेंगे, सही में चश्मा ऊपर है ला दे, फेंक मत बाबा, नुमे नको नको, अच्छा यहाँ से डाल हाँ डाल, अरे हाथ में आया मेरे बराबर, ये देखो आपके फैयाज भाईजान, दो मैं ना संडे के दिन रात में ऊपर गई थी पिक्चर देखने के लिए, तभी चश्मा छोड़कर आई थी, और मैं कल से बोल रही हूँ लोगों दोनों को, बाप बेटी को, चश्मा देखो रे मेरा,
तो दोनों देख देख के आ रहे, बोलते नहीं है देखो मेरा बेटे ने ढूंढ के दिया आज, नुमेर ने अनोखा काम कर दिया यार, नुमेर को कोई चीज मिलती नहीं है, ये बार नुमेर को मिल गए मेरा चश्मा, और कल से बिना चश्मे के काम कर रही हूँ मैं। ये बिल भारत गैस की, तो ये एक है, ये एक है और ये एक है, तीन रिसिप्ट है ये। चले वेलकम बैक। तो चलो आप लोगों ने तो देख लिया कि फाइनली भारत का न्यू कनेक्शन, गैस कनेक्शन आ गया यार, अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआओं की वजह से, और बस सब कुछ अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने बस मेरी हर मुश्किल कोई ना कोई जरिए से ना अल्लाह ने आसान कर दिया। मैं कहती हूँ ना कि अल्लाह ने तो मेरे लिए बहुत वसीले तैयार किया अल्लाह ने, कि वो वसीलों के जरिए मेरे बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, या फिर अल्लाह कोई ना कोई करम कर देता है, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता बना ही देता है कि मेरी मुश्किलात जो है ना आसान हो जाए। तो बस ये भी जो गैस की प्रॉब्लम थी, परेशान थी, वो भी हल हो गई, और फाइनली गैस कनेक्शन न्यू आ गया, और साथ में जो है ना हमारा नुमैर आ गया माही को लेके, माही स्कूल से आ गई, 4 बज गए ऑलमोस्ट, लेट भेजी बहुत लेट। माही हमेशा शिकायत, माही कितनी शिकायत करती है यार, बहुत लेट, 4 बजे बराबर भेजी मैंने, 4 बजे नहीं आई, एक्चुअली मैंने भूल गई थी पता है आपको, क्योंकि मैं हमेशा 6 में 10 कम को भेजती हूँ ना, तो मैं आज भूल गई थी कि तेरी जल्दी छूटने वाली है, एकदम से हार बाड़, मतलब वो गैस सिलेंडर की चक्कर में थी ना मैं, तो एकदम से हार बाड़ करके टाइम देखी ना, तो मैंने भागा इसको, मिले मांगी को लेने भाग, तो मैं भागा और कुछ नहीं। और ये आपको पता है क्या देख रहे आप, क्या देख रहे, गैस सिलेंडर आया, वही देख रही है वो वहां पे गैस के बाद देख रही, कुछ तो दिख रहा है मेरे को डिफरेंट, और ये आपको पता है मिल गया, देखिए चश्मा नहीं ढूंढ पाया माही मेरा, ऊपर ही तो था, भाई ने ऊपर से दिए मुझे, तुम और पापा ढूंढ रहे कल से मेरा चश्मा यार, तुम लोग दोनों कैसा किए मुझे, बिना चश्मे के काम कर रही हूँ मैं, मेरी आंखें कितनी दुख रही है पता है। चलो फ्रेश हो जाओ, ट्यूशन के लिए निकलेगी है ना, तो इसको खाना गर्म करके देती हूँ मैडम को, इसको कितनी पंचा दे, आ गया नई बाटला दो। चले बस ब्लॉग को भी इधर ही एंड कर दूंगी। हाँ अमाउंट जाते जाते अमाउंट बता के जाती हूँ, कल भी बताई थी ना आप लोगों को, टोटल अमाउंट जो ना मेरी ये न्यू कनेक्शन के लिए जो है ना वो 7,522 रुपया मैंने कल भर के आई, और वेरिफिकेशन के लिए आया था तो मैंने भरी थी 8,850 रुपया, तो टोटल अमाउंट जो मेरी अभी ये न्यू कनेक्शन के पीछे गई है ना वो है मैडम आगे 8,322 रुपया, मतलब टोटल अमाउंट जो गई है ये न्यू कनेक्शन के चक्कर में वो 8,322 रुपया मेरा टोटल गया है। चलो अल्लाह का करम है कि आ गया बाटला, प्रॉब्लम तो मैंने वैसे भी फेस की, बस क्या बोलूँ अभी बस होप के अभी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ का सर्विस जो है ना भारत की बहुत अच्छी है, और जो भाई ने लगा के कनेक्शन गए ना वो भी बहुत अच्छे भाई थे, मतलब समझ में आ जाता है यार, इंसान को देख के आप समझ जाते हो कि डिलीवरी बॉय कैसा होगा, इतनी सी एटीट्यूड नहीं बंदे के अंदर, एक एक चीज़ें मेरे को बैठ के उन्होंने इतना अच्छे से बताया कि मैडम यहाँ फ़ोन करना है, हालांकि अपनों को पता है यूज़ करते हैं, उनको लगता है कि हम लोग पहली बार बाटला यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब उन्होंने अच्छे से चीज़ें बताएं, तो बहुत अच्छा लगा कि बैठ के उन्होंने बताया कि आप यहाँ कॉल करना तो हम लोग ला के दे देंगे ये वो करके, तो सर्विस अच्छी है इनकी, सर्विस के लिए मैं बोलूँगी नहीं कुछ भी यार, सर्विस वो बहुत अच्छी है, बस वो जो कल हुआ था एम्प्लॉय की वजह से हो जाता है यार, जो काम करते ना वो लोग, बाकी मेरे को लगा था ये मैडम जो है ना मुझे बाटला भेजेगी नहीं, लेकिन भेज दी इतनी जल्दी मैडम ने, मुझे पता नहीं मुझे कितना टाइम लगाती थी, और जाहिर सी बात है यार इतनी उंगली करके आई तो मुझे तो लगा कि टाइम तो लगाएगी, उंगली नहीं की यार, आप लोग भी समझ रहे हो ना मैं सही थी क्या गलत थी, आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि बोलना तो पड़ेगा। बाकी चले बस ब्लॉग एंड करूँगी, अभी जा रही हूँ माई को खाना दे रही हूँ, स्कूल ट्यूशन के लिए रवाना करती हूँ उसको, डबल ट्यूशन है आप लोग को पता है, हालांकि वो 1 हफ्ते से डबल ही जा रही है, आज तो पेपर है, पेपर में तो वैसे भी वो डबल जाती है, इनफैक्ट वो 1 हफ्ते के ऊपर से ही वो डबल जा रही है ट्यूशन, शाम को भी जा रही है, उसका ग्रामर और मैथ्स का कुछ रह गया था ना इसीलिए, तो चले अभी फिर से उसको तैयार करके ट्यूशन के लिए भेजती हूँ। बाकी बस ये था आज का व्लॉग, कैसे लगा ज़रूर बताना, एंड बस कांग्रेट्स बोल जाए अपनी मदीना आपा को भारत के न्यू कनेक्शन के लिए, बस अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में हम सबको याद रखना दुआ में हम सबको याद रखना, माही के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, दिनचक माही, नेक्स्ट ब्लॉग में जब तक के हैप्पी।